नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मुंबई के गोरेगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक विद्या ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर अपने क्षेत्र में शुभ अवसर पर दीप उत्सव एवं माँ गंगा आरती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित किए। मां गंगा आरती में सांसद गोपाल शेट्टी, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग इस दिव्य समारोह में उपस्थित रहे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हुआ दीपोत्सव और गंगा आरती का आयोजन आपने किया है, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और बहुत विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ। सभी मुंबई वासियों की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये राम राज्य आएगा। 500 वर्षों के बाद भगवान की प्रतिष्ठा, रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कल वो मोदी जी के साथ, साधु संतों के साथ, संघ परिवार के साथ, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के साथ और सारे भाई बहनों के साथ राम जन्मभूमि में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नृत्य, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर एक संपूर्ण रामायण नृत्य नाटिका होने जा रही है। गंगा आरती हमने बहुत ही सुंदर ढंग से किया, बनारस से लोग आ रहे हैं, लोग आए थे और उसके पहले हमारे यहाँ पे भजन कीर्तन, ये और दीपोत्सव का बहुत बड़ा, जिस तरह से भगवान 14 वर्ष वनवास से आए और जो वहाँ के अयोध्या नगरी के लोगों ने जो दिवाली मनाई थी, उस तरह से हम लोग यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं भगवान जी के आने की खुशी में। मैं मोदी जी को एक बार फिर से बहुत बहुत उनका अभिनंदन, उनको बहुत बहुत शुभेच्छा और मैं ये चाहती हूँ कि सभी ये जो हमारे भाई बहनों के जीवन में जो एक सपना था, ये सपना साकार हुआ है। उसके लिए सबसे बड़ा काम जो मोदी जी ने किया, उनके साधु संतों ने किया, लोगों ने किया, कार सेवकों ने किया, मैं सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। जो राम के अस्तित्व पे, राम के ऊपर सवाल उठाते थे, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं देखिए, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं उनको इस समय बोलना कोई उचित नहीं, क्योंकि राम तो हमारे अंग अंग में बसे हैं, राम तो हमारे आराध्य है, राम तो हम सभी के वैभव हैं। लोगों की क्या मानसिकता है उसके बारे में कुछ इस समय नहीं बोला जा सकता। मैम, जो है न्योता जो है स्वीकार दिए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, न्योता तो सब, न्योता का कोई विषय नहीं है, तो राम का काज है, सब सभी अपने अपने हिसाब से जाएंगे, ठीक है।